कोविड के मरीजों के उपचार को लेकर लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। अस्पताल में मशीनें, प्लांट्स और ऑक्सीजन बेड तैयार हैं। अस्पताल में कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा रही है, लेकिन इसे लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव देखने को मिल रहा है। कोरोना की चौथी लहर के मद्देनजर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला भी पूरी तरह से पीड़ितों के इलाज को लेकर तैयार है। मंगलवार को कोरोना को लेकर हुई मॉक ड्रिल को देखकर भी इससे स्पष्ट हो चुका है। अस्पताल प्रशासन द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर व्यवस्था को बनाया जा रहा है। इसके विपरीत कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव देखने को मिला है। वैक्सीन लगाने बेहद कम संख्या में लोग अस्पताल पहुँच रहे हैं, जिससे 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होता नजर नहीं आता। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर पीएम सिंह ने तैयारियों और वैक्सीनेशन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। तैयारी तो पूरी है, हम चौथी लहर के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शासन ने भी इसके लिए हमारे गाइडलाइन आ चुके हैं, जिला अस्पताल से भी गाइडलाइन आ चुके हैं, सीएमओ ऑफिस से गाइडलाइन आ गया। हमने पूरी अस्पताल में कल हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल करके देख लिया है। पूरी हमारी मशीन तैयार है, प्लांट्स तैयार हैं, ऑक्सीजन बेड तैयार है। और अभी मैं लोगों से ये या पब्लिक से यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो छूट गए हैं वैक्सीन में, वो आ करके ये एक 40 केंद्र हमने भिलाई नगर निगम में बनवाया है। कोई ना कोई फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज या प्रिकॉशन डोज में अगर छूट गए हैं तो आप इन केंद्रों में आ करके आप वैक्सीन लगा सकते हैं। बहरहाल वैक्सीनेशन को लेकर शहर में सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन से वंचित रहवासी इन सेंटरों में आकर वैक्सीनेट हो सकते हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही खुद के साथ साथ दूसरों को भी परेशानी में डाल सकती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।